नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए तरह तरह से गोलबंदी और घेराबंदी कर रहा है, और जैसा ही अमेरिका कर रहा है ठीक वैसा ही चीन अमेरिका के साथ कर रहा है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बड़ा संकेत दिया और कहा जा रहा है कि अमेरिका चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीनी सरकार को डेटा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। पोम्पियो ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले कुछ दिनों में ऐसी चीनी सॉफ्टवेयर कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं जो यूजर का डेटा बीजिंग को उपलब्ध करा रही। अमेरिकी न्यूज कंपनी फॉक्स न्यूज चैनल से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर काम कर रही कंपनियों के खिलाफ अगले कुछ दिनों में कार्रवाई की जाएगी। ये कंपनियां अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इसमें कार्रवाई कुछ कारणों से रुक गई। आने वाले दिनों में कई और चीनी कंपनियों को इसका सामना करना पड़ सकता है। एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जहां तक टिकटॉक का सवाल है तो हम इसे बैन करने जा रहे हैं। माइक पोम्पियो ने कहा कि चीनी कंपनियों के खिलाफ जासूसी के आरोप लगे हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति चीन की सॉफ्टवेयर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब चीनी कंपनियों की शामत आ गई है और आगे चीन की परेशानी बढ़ने वाली है।